जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जनपद वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी है तथा सभी के सुख समृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए नया वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद वासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में जनपद वासियों की सभी अपेक्षाएं पूरी हो जाएं। उम्मीद है कि नया वर्ष पिछले वर्ष से बेहतर होगा। जिलाधिकारी ने सभी को सचेत करते हुए कहा कि अभी भी सतर्क रहना होगा, सचेत रहिए और बचकर काम कीजिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, मैं गोरखपुर के सभी सम्मानित नागरिकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आग्रह करूंगा कि वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत जितनी भी सावधानियां बरतनी हैं इसका 100% पालन करने का प्रयास करें और एक दूसरे को प्रेरित भी करें। उसके लिए प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है, विशेषकर हमारे नौकायान रामगढ़ ताल के पास, जू के पास और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जहां पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है उसके लिए वहां पे पुलिस और मजिस्ट्रेसी की तैनाती एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के दृष्टिगत, सफाई के दृष्टिगत की गई हैं। मेरा बस आग्रह है सभी सम्मानित नागरिकों से कि कोविड प्रोटोकॉल का ज़रूर पालन करें। ये नववर्ष के आगमन पर सभी जनपद वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे मेरी कामना है कि आने वाला वर्ष आपके लिए सुखमय होगा, संपन्नता लाएगा और सेहत लाएगा। पुलिस की तरफ से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें कि ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है और नौकायान, गोरखनाथ मंदिर, बुढ़िया माता मंदिर इत्यादि पर विशेष पुलिस व्यवस्था की गई है। जनपद में यातायात सामान्य रूप से चले इसके लिए सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, घुड़सवार पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, रामगढ़ ताल में फ्लड पीएसी की तैनाती की गई है, कई जगहों पर जैसे कि नौकायान पर विशेष सीसीटीवी कैमराज लगवाए गए हैं ताकि आने जाने वाले लोग परिवार के साथ में आराम से घूम सके वहाँ पर, और पुलिस की लगातार गश्त रहेगी। नौकायान पर वाहनों का आवागमन भी प्रतिबंधित किया गया है और विशेष पार्किंग बनाई गई है चंपा देवी पार्क और सहारा स्टेट में, और वहाँ पर दोनों तरफ पुलिस तैनात रहेगी, भ्रमण पर रहेगी पूरे जनपद में 31 तारीख और 1 तारीख को, और सभी का नववर्ष अच्छे से गुजरे ये पूर्ण प्रयास रहेंगे पुलिस के। नए साल के अवसर पे सारे जनपद वासियों को गोरखपुर के बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल सबके लिए सुखदाय रहे, समृद्ध रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग 2021 के अंत में बैठे हुए हैं और 2022 का शुभारंभ होने जा रहा है, तो नौ वर्ष हमारे सामने है और नौ वर्ष की मैं गोरखपुर वासियों को आपके माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और इसका खतरा अभी भी टला नहीं है, तो नौ वर्ष को धूमधाम से मनाएं परंतु साथ में कोविड के गाइडलाइंस का भी पालन करें। ये गोरखपुर वासियों को जो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, जो नया साल है वो नई उम्मीदें लेके आता है, लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी बनाते हैं पर कुछ नई चुनौतियाँ भी रहती हैं, जैसे अभी कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, तो मैं यही सबसे अनुरोध करूँगा कि नए साल में मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और नए साल का जब पर्व मनाते हैं आप लोग तो कभी भी कोई भी ड्रिंक करके ड्राइव ना करें और जहाँ भी है नियमों का पालन करें, कोविड नियमों का पालन करें और यातायात को के नियमों का भी पालन करें, क्योंकि यातायात को लेकर के भी हम लोग अभी जो गोरखपुर शहर है हम सब इसमें एक साथ लगे पड़े, तो सबसे मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ में यह भी कहूँगा कि कोरोना और यातायात के नियमों का अवश्य पालन करें। नया वर्ष सभी बंधु बांधवों के लिए खूब मंगलमय हो, नई ऊर्जा के साथ लोग जहाँ भी जिस भी प्लेटफार्म पर हैं अपने अपने दायित्वों का बड़ी सुंदरता के साथ निर्वहन करें, इसी प्रेरणा के साथ हम पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ें, यही सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस हूं और डिप्टी डीओ निर्वाचन कार्यों का हूं। आगामी निर्वाचनों के संबंध में
और आगामी वर्ष के संबंध में मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड का खतरा अभी बरकरार है, आप सभी लोग मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं नए साल के इस पर्व पर सभी लोगों को, सभी जनपद वासियों को शुभकामना देता हूं, और साथ ही जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन वायरस का भी धीरे धीरे फैलाव हो रहा है, तो आप सभी लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क धारण करें, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, अनावश्यक भीड़ भाड़ में ना जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड की गाइडलाइन का जो भी निर्देश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उनका अच्छा सा पालन करें, नाइट कर्फ्यू का पालन करें, आपका जीवन शुभमय हो। धन्यवाद। समस्त गोरखपुर वासियों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में हंसी और उल्लास लाए और आप प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को बहुत ही शुभकामनाएं। आज 31 दिसंबर है, आज 2021 बीत रहा है और कल से 1 जनवरी शुरू होगी, आंग्ल वर्ष का जो है हमारा एक नया वर्ष शुरू होगा। गोरखपुर निवासियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि हमारा आने वाला नव वर्ष हम सभी के लिए सुखदायी रहे। सब लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज करें और अति आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, टीका अवश्य लगवाइए, जिससे कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई वर्ष मना सकते हैं, कोई जश्न मना सकते हैं। नववर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही साथ कोविड से बचे रहने की शुभकामनाएं।